हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना संक्रमितों के लिए डेडिकेटेड कोविड अस्पताल नेरचौक में स्थापित किया गया है। WHO और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मुताबिक सैनिटाइजेशन का कार्य भी अस्पताल में बखूबी कोरोना योद्धाओं के द्वारा निभाया जा रहा है। अगर बात कंटेनमेंट जोन की जाए तो नगर परिषद नेरचौक द्वारा कोरोना पॉजिटिव मामले आने के बाद उस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। कोविड अस्पताल में पॉजिटिव डेड बॉडी के लिए अस्पताल प्रबंधन और सैनिटेशन विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजेशन के संसाधन भी मौजूद हैं। साथ ही इस पूरे मामले के बारे में SMS डॉक्टर जीवानंद ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में अभी तक 10 कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है, जो कि मंडी जिले के 7 और अन्य 3 लोग अलग अलग जिलों से थे। मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्स कर्मचारियों का पूरा स्टाफ तैनात है और उन्हीं के द्वारा अस्पताल सहित कोरोना संक्रमित की मौत होने से सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाता है। जैसे कोई पॉजिटिव मरीज आता है कहीं से, तो जैसे वो आएगा जहाँ से बिल्डिंग में उसकी एंट्री होगी, आगे पेशेंट जाएगा, पीछे से हमारा वर्कर उसको रास्ते को सैनिटाइज करता हुआ जाएगा। जहाँ तक जो जहाँ उसका बेड होगा, जहाँ उसका केयर सेंटर है या वो वार्ड है, वहाँ तक हम सैनिटाइज करते हैं उसको। एक बॉडी के लिए लगभग जो डिल्यूट हाइपरक्लोराइड होता है, 40 से 50 लीटर लग जाता है। तो हमारे यहाँ जो सफाई कर्मचारी टोटल हैं लगभग 244 से लगभग हैं, 244, और उसमें हमारी एक स्पेशल ड्यूटी लगती है लोगों उसके लिए सैनिटाइज करने के लिए। जैसे कोई किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसको वार्ड से लेकर मोर्चरी तक और मोर्चरी से लेकर जहां उसका दाह संस्कार होना है वहां तक हम रुक सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो कोरोना केसेस में डेथ्स हो रही हैं उनमें सबसे पहले रोल रहता है मेडिकल कॉलेज प्रशासन का। तो उनका रहता है कि जैसे किसी कोरोना पेशेंट की डेथ होती है तो उसके बाद उसकी बॉडी को एक लीक प्रूफ बैग में पैक कर दिया जाता है सोडियम हाइपोक्लोराइड की सॉल्यूशन के साथ। और इस चीज़ में भी कई भ्रांतियाँ फैली हुई हैं, तो ये भी क्लियर करना चाहूँगा कि मैक्सिमम कोरोना जो फैलता है वो फैलता है थ्रू ब्रीदिंग। तो एक बार बंदा डेड हो गया है तो ब्रीदिंग का तो सवाल ही नहीं उठता, तो कोरोना फैलने के चांसेस कम होते हैं, पर फिर भी प्रिकॉशन के लिए लीक प्रूफ बैग में उसको कवर किया जाता है। उसके बाद हमने हेल्प ली है जो मेडिकल कॉलेज का जो सैनिटेशन का स्टाफ है वो डेड बॉडी को लीक प्रूफ बैग में लाते हैं और इसको ले आते हैं हमारे क्रीमेशन सेंटर जो हमने इधर ही अपने STM ऑफिस के नज़दीक ही सब्जी मंडी के पास चिन्हित किया है।